दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। हम बात करने वाले हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इसमें आयल लेवल इसका बढ़ रहा था, यानी उसमें वाटर मिक्स हो रहा था। तो वाटर मिक्स क्यों होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसको जानेंगे हम। पहला कारण कि अगर सिलेंडर स्लीव की ओरिंग जो होती है वो कहीं से कट जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाती है उसका, या फिर अपनी जगह पे सही तरीके से नहीं बैठाई गई होती है, तो उसके कारण वो फेल हो जाती है और वो पतली हो जाती है, कट हो जाती है, जिसके कारण प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे हेड गैस्केट। हेड गैस्केट अगर कहीं से उसके जो जॉइंट होते हैं सीलिंग पॉइंट वो अगर कट जाते हैं या उनका डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पे हमको हेड गैस्केट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़, सिलेंडर स्लिप अगर कहीं से क्रैक हो जाता है, वाटर जैकेट जो होते हैं वो अगर क्रैक हो जाता है तो अंदर पानी जाने लगता है, तो वहाँ पे हमको ये लाइनर जो आप देख रहे हैं इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। कहीं कहीं पे किसी ट्रैक्टर्स में आयल कूलर लगा होता है, जैसे अर्जुन नोवो मॉडल में, तो वहाँ पे हमें उसको भी रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है अगर उसमें फॉल्ट आ जाता है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जिसके कारण आयल में पानी जाता है। अगर आप इन चीज़ों को चेक करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि फॉल्ट पकड़ में आ जाएगा। फ़िलहाल इस इंजन में ओरिंग आपको दिखाते हैं। अभी ओरिंग एक जगह से बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है, और वीक होने के कारण ये देखेंगे आप, ये वीक हो गई है। वीक होने के कारण यहाँ से पानी आयल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे, सभी स्लीव्स के ओरिंग को, और जो स्लीव बदलने लायक होंगे उनको भी चेंज करेंगे। धन्यवाद।